डॉक्टर आर सी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज धौलपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य उद्देश्य और प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को लगातार क्षति हो रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों का जहरीला धुआं एवं रेडियो एक्टिव किरणों का विकिरण पर्यावरण को पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। जल, भूमि तथा वायुमंडल को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में स्टॉकहोम में घोषणा की, जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए गए तथा उसी के परिणाम स्वरूप भारत में इस अधिनियम को पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पारित किया गया। पहला है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। दूसरा बिंदु है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करना। तीसरा बिंदु था पर्यावरण संरक्षण पर साधारण विधि अधिनियमित करना, जो पर्यावरण परिसंकट के विस्तृत क्षेत्र में अनाच्छादित अंतराल को आच्छादित करे, क्योंकि विद्यमान विधियां साधारणतया प्रदूषण के विनिर्दिष्ट प्रकारों पर केंद्रित है, जिससे पर्यावरण परिसंकट के बड़े क्षेत्र आच्छादित नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है विद्यमान विधियों के अधीन विभिन्न अधिकरणों के कार्यकलाप को समन्वित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्राधिकारी का सृजन करना। नेक्स्ट बिंदु है उन लोगों के लिए भयंकर दंड के लिए उपबंध करना जो मानवीय पर्यावरण सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करते हैं। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अधिनियम का विस्तार, इस अधिनियम को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह इस अधिनियम को लागू करने की तिथि का नोटिफिकेशन करें। धारा 2 में अधिनियम में पर्यावरण एवं पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कर उसकी सीमाओं को निश्चित कर दिया गया है। तीसरा पिंटू दे रखा है इसमें बिंदु है केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियां। अधिनियम की धारा 3 में केंद्र सरकार को उन उपायों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है जिनके द्वारा प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। केंद्र सरकार इस हेतु अधिकारियों की नियुक्ति तथा नियमों का निर्माण कर सकती है। 4 बिंदु है इसका पर्यावरण संबंधी प्रयोगशालाएं हैं। केंद्रीय सरकार पर्यावरण के संबंध में प्रयोगशालाओं का गठन कर सकती है। उसके साथ ही केंद्रीय सरकार विश्लेषक की भी नियुक्ति कर सकती है। विश्लेषक की रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं।
पांचवा बिंदु है इसका दंड। अधिनियम में प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंडित करने के लिए प्रावधानों को भी उल्लेखित किया गया है। ये दंड प्रावधान कंपनी तथा शासकीय कार्यालय पर भी लागू होते हैं। अंतिम बिंदु है नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अधिनियम में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है। इस तरह इस अधिनियम का उद्देश्य और इसके मुख्य क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हमने क्लास में अध्ययन किया।